जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एस्ट्रोसेज यूट्यूब चैनल पर। मैं नेहा राजपूत हर महीने की तरह लेकर आई हूं आपके लिए मासिक राशिफल। साल 2021 के 11वें महीने नवंबर की बात करेंगे और जानेंगे कि नवंबर का महीना आप सभी जो है लोगों के लिए कैसा रहेगा हर एंगल से। चाहे आप जॉब करने वाले हों, चाहे आप हाउसवाइफ हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, हर किसी की बात करेंगे इस वीडियो में। तो हिंदू पंचांग के अनुसार नवंबर के महीने को कार्तिक माह कहा जाता है। तो नवंबर माह के मासिक राशिफल के बारे में इस वीडियो में आपको बताऊंगी और ये राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित होगा, यानी मून साइन बेस्ड है। जो भी उतार चढ़ाव आपके जीवन में आने वाले हैं उसकी जानकारी दूंगी, जिसकी मदद से आप आने वाली विपरीत परिस्थिति को भी अपने अनुकूल बना सकते हैं और उनका सामना करने के लिए खुद को पहले से ही तैयार कर सकते हैं। इस राशिफल की जो है वीडियो में क्या क्या खास है आपके लिए वो जल्दी से बताती हूँ। तो इस महीने में पड़ने वाले 30 त्योहारों की संपूर्ण जानकारी दूंगी, महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां हैं। इसके अलावा नवंबर महीने में जन्मे लोगों की खासियत मैं आपको बताऊंगी, नवंबर माह का हिंदू पंचांग मैं आपको बताऊंगी, हर तरीके से आपको बताऊंगी जो गोचर होने वाले हैं उसकी जानकारी दूंगी। हर चीज हम हर विषय पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हिंदू पंचांग के अनुसार यह महीना पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि से शुरू होगा और हस्त नक्षत्र में कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को समाप्त होगा। इस महीने भी ग्रहों की चाल का प्रभाव निश्चित रूप से सभी 12 राशि के जातकों के जीवन पर पड़ेगा। तो अब जानते हैं 30 त्यौहार कौन कौन से हैं। 1 नवंबर सोमवार को है रमा एकादशी, 2 नवंबर मंगलवार को है धनतेरस और प्रदोष व्रत, 3 नवंबर बुधवार को है मासिक शिवरात्रि, 4 नवंबर गुरुवार को है दिवाली, कार्तिक अमावस्या और नरक चतुर्दशी, 5 नवंबर शुक्रवार को है गोवर्धन पूजा, 6 नवंबर शनिवार को है भाई दूज, 10 नवंबर बुधवार को है छठ पूजा, 14 नवंबर रविवार को है देवोत्थान एकादशी, 16 नवंबर मंगलवार को है प्रदोष व्रत और वृश्चिक संक्रांति, 19 नवंबर शुक्रवार को है कार्तिक पूर्णिमा व्रत, 23 नवंबर मंगलवार को है संकष्टी चतुर्थी, 30 नवंबर मंगलवार को है उत्पन्ना एकादशी। तो ये कुछ 30 त्यौहार आपको नवंबर के महीने में मिलेंगे। तो नवंबर महीने में जो भी बड़े बड़े त्यौहार हैं उसकी जानकारी मैं आपको वीडियो के माध्यम से दूंगी। हमारे चैनल पर वो वीडियो अपलोड की जाएगी वो त्यौहार आने से पहले। बाकी और भी अगर किसी फेस्टिवल के बारे में जानकारी चाहिए आपको, उसकी पूजा विधि चाहे कथा चाहे कुछ भी, तो आप वो जरूर कॉमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपको आने वाले समय में वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दूंगी। अब जानते हैं कि नवंबर माह में कौन कौन से ग्रहों का गोचर होगा। 2 नवंबर को बुध का तुला राशि में गोचर होगा, 16 नवंबर को जो है सूर्य का वृश्चिक राशि में गोचर होगा, 20 नवंबर को बृहस्पति का कुंभ राशि में गोचर होगा और 21 नवंबर को बुध का वृश्चिक राशि में गोचर होगा। तो ये कुछ बड़े ग्रहों के गोचर होने वाले हैं नवंबर महीने में और इन्हीं ग्रहों की जो है हरकत के ही आधार पर आपके जीवन पर प्रभाव पड़ेगा और उसी के आधार पर हमने ये राशिफल तैयार किया है। ये जो गोचर होंगे जब भी होंगे तो उससे पहले आपको वीडियो के माध्यम से गोचर का क्या प्रभाव होगा आपके जीवन पर उसकी भी जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। आप ये सारी जानकारी अगर चाहते हैं तो करना आपको बस इतना है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए, जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, बार बार चैनल पर विजिट नहीं करना पड़ेगा। इस वीडियो में तो मैं मासिक राशिफल की बात कर रही हूँ, पूरे 30 दिनों की बात कर रही हूँ। हर शाम 5 बजे मैं आपके लिए लेकर आती हूँ दैनिक राशिफल का वीडियो, जिसमें मैं आपको बताती हूँ कि आपका दिन कैसा बीतेगा, दिन को अच्छा बनाने के लिए क्या क्या करना है, दिन में शुभ समय क्या है, अशुभ समय क्या है, बहुत सारी खास बातें मैं करती हूँ और वहाँ आपके सवालों का जवाब भी देती हूँ। 5 बजे शाम को वो वीडियो अपलोड होता है, वो भी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर देंगे। तो अभी हम इस वीडियो में मासिक राशिफल की बात कर रहे हैं तो अभी आपको बताते हैं कि जो साल 2021 का 11वां महीना है यानी नवंबर, वो उसमें जन्मे यानी नवंबर माह में जन्मे जातक कैसे होते हैं। तो आपका जन्म अगर किसी साल के नवंबर महीने में हुआ है तो एस्ट्रोलॉजी कहती है कि आप इस दुनिया में सबकी भलाई करने के लिए जन्मे हैं, बहुत दयालु और परोपकारी होते हैं, सहन शक्ति के हिसाब से भी आप कमाल के बंदे हैं। जब आपका आप जो है जब तक आपका स्वाभिमान हर्ट ना हो जाए तब तक आप हर छोटी बड़ी बात आप सिर से गुजर जाने देते हैं। आप सबके बीच सामंजस्य बिठाने का बखूबी निभाते हैं, जो सामंजस्य बिठाने का काम अक्सर दोस्तों के टचअप करवाने की जिम्मेदारी आपकी होती है। यूँ तो दुनिया आपको बड़ी ही शांत और सौम्य रूप में जानती है, लेकिन जिसने आपका गुस्सा देखा है वही जानता है कि आपके भीतर कितना तूफान भरा है। इसकी वजह से आप कम उम्र में ही ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी के शिकार हो सकते हैं। आप दोस्तों के लिए कुछ करें या ना करें, दोस्त आप पर जान लुटाने के लिए तैयार खड़े रहते हैं क्योंकि आपके भोलेपन के वे कायल होते हैं। आपके तरक्की से जलने वालों के लिए चेतावनी है, बता दूं कि नवंबर वालों के दुश्मन सीधे मुंह की खाते हैं, इसलिए सावधान रहें जो नवंबर माह वालों से दुश्मनी करते हैं। नवंबर माह में जन्मे युवाओं में प्यार की का जो है अथाह सागर होता है, जिसे प्यार करेंगे वह अगर ना मिल पाए तो उसे कभी भूल नहीं पाते हैं और जो अगर प्यार मिल जाए तो उसकी खुशी के लिए खुद को मिटाकर भी तृप्त नहीं होते। फिर भी
फिर वही बात है कि अत्यधिक दयालु जो होते हैं ये लोग, तभी ऐसा उनका नेचर होता है। कुछ युवा जो नवंबर में जन्मे होते हैं और जिनकी राशि वृश्चिक या मेष है, उन पर कंजूस होने का आरोप लग सकता है। अन्यथा सामान्यतः नवंबर के युवा दिल के इतने उदार होते हैं कि सामने वाले के चेहरे पर मुस्कान देखने के लिए खुद की जेब खाली करके भी खुश रहते हैं। पैसा इनके पास जितना भी आए सेविंग के तरीके खोज ही लेते हैं। पूरी तरह से खाली ये कभी नहीं होते, इनके किसी भी ना किसी पर्स या पैंट की जेब से पैसे निकल ही आएंगे। थोड़ी व्याग्रता जो है पर कंट्रोल कर ले तो इनके जैसा जो है करीने से रहने वाला मिलना मुश्किल है। हर काम सुव्यवस्थित और साफ सुथरा होता है इनका। बचपन से लेकर अब तक जो है कि छोटे से छोटे डॉक्यूमेंट भी किसी फाइल में सुरक्षित रखे मिल जाते हैं ऐसे लोगों के। यहाँ हम आपको थोड़ा सा सनकी ज़रूर कहेंगे, कुछ कुछ कन्फ्यूज्ड और कुछ कुछ क्रिएटिव। अतीत से इनका गहरा लगाव होता है, अपनी हर पहली बात या पहली चीज़ अपनी स्मृति में संजो कर रखते हैं। अक्सर इस माह में जन्मे लोग संवेदनशील लेखक, पुलिस, पत्रकार, कलाकार, सर्जन, गुप्तचर विभाग में होते हैं। मन इनका बच्चों की तरह होता है, इसलिए बच्चों से इन्हें बेहद प्यार होता है। इनका इंट्यूशन पावर तो माशाल्लाह होता है। किसी बात का पूर्वाभास होना या सूरत देखकर आदमी की फितरत पहचाना इनके लिए आसान होता है। आकर्षक मुखाकृति और मासूमियत के कारण नौकरी हो या घर, प्यार हो या दोस्ती, इनके 100 गुना माफ़ कर दिए जाते हैं। अपने बालों का इन्हें विशेष ख्याल रखना चाहिए वरना गंजे हो सकते हैं। बड़ी बड़ी हांकने की प्रवृत्ति से भी थोड़ा बचें तो सही वक्त पर सही जीवन साथी मिल जाएगा। नवंबर माह की लड़कियां भावुक होती हैं और भावुक होती हैं लेकिन प्रैक्टिकल होती हैं। चोट खाने पर खुद को समय पर संभाल लेती हैं, यही वजह है कि अपने दुख के लिए कभी दूसरों का कंधा इस्तेमाल नहीं करती। बेमिसाल सहन शक्ति के कारण जीवन की हर जंग जीत लेते हैं। अभिव्यक्ति थोड़ी सी कमज़ोर होती है, इसलिए उम्मीद करती है कि इनके आसपास के लोग इनकी बात स्वयं समझ लें। लोग जब इन्हें समझ नहीं पाते तो ये झल्ला पड़ती हैं। नवंबर माह वालों के लिए सलाह मैं यही दूंगी कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल सुधारें, क्योंकि इसकी वजह से अक्सर आपको लोग गलत समझ लेते हैं। अपने सौम्य रूप का गलत फ़ायदा ना उठाएं, बल्कि सच्चाई और ईमानदारी आपकी ताकत है, उसका इस्तेमाल करें। कल्पना लोक से बाहर आएं, ज़िंदगी के कई रंग बस आप ही के लिए खेले हैं, आपको उन्हें समय पर पहचानना है। आप सभी को हमारी शुभकामनाएं जो नवंबर माह में जन्मे हैं। लकी नंबर की बात कर लें तो 3, 1 और 7 होता है। लकी कलर की बात करें तो पिंक, सफ़ेद और चॉकलेटी है। लकी डे की बात करें तो गुरुवार और मंगलवार यानी थर्सडे और ट्यूसडे है। लकी स्टोन की बात करें तो पर्ल और मून स्टोन है। अगर आपको मैं एक सुझाव दूँ नवंबर माह वालों के लिए तो तेल में अपना चेहरा देखकर मंदिर में दान करें, जितनी भी रुकावटें हैं वो दूर हो जाएंगी। तो हमने आपको बताया कि नवंबर माह में जन्मे लोग कैसे होते हैं। अब बारी है आपकी राशि फल की। बताऊंगी आपको कि आपकी राशि के लिए नवंबर का महीना हर एंगल से कैसा गुजरने वाला है, कौन कौन सी जगह पर चुनौतियां आएंगी और कौन कौन सी चीज़ें स्मूथ जाएंगी, अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए क्या ज्योतिषीय उपाय करने हैं वो भी मैं आपको वीडियो के आखिर में बता दूंगी। उपाय बहुत ही सिंपल मैं आपको बताती हूँ ताकि हर कोई वो कर सके। तो चलिए जानते हैं कि कैसा रहेगा नवंबर का महीना आपकी राशि के लिए। तो चलिए बात करते हैं इस वीडियो में मेष राशि के जातकों के बारे में। सबसे पहले जानेंगे कि मेष राशि वालों का करियर कैसा रहेगा, यानी जॉब और बिजनेस करने वालों के लिए नवंबर का महीना कैसा है। यह महीना करियर की दृष्टि से आपके लिए सुखद रहने की संभावना है, पदोन्नति होने की प्रबल संभावना है। आपको इस अवसर को हाथ से नहीं निकलने देना चाहिए। मेहनत करने से जरा भी अनाकानी ना करें। कार्यस्थल पर सबके साथ मित्रवत व्यवहार बनाए रखें, लाभ होगा। यदि कोई नया दायित्व तो मिलता है तो उससे पीछे ना हटें बल्कि आगे बढ़कर स्वीकारें, आपके लिए भविष्य में यह लाभकारी साबित हो सकता है। 20 नवंबर को गोचरवश बृहस्पति आपकी कुंडली के 11वें भाव में पहुंच जाएंगे। आय के भाव में बृहस्पति का गोचर आपके लिए आय के स्रोत बढ़ाने वाला साबित होगा। शुभ कार्यों के लिए प्रेरित होंगे, धनागमन के मार्ग खुलेंगे। स्वजनों के सहयोग से धन उपार्जन के लिए कुछ नया कार्य करने की लालसा प्रबल होगी। व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से भी समय शुभता वाला रहेगा। व्यापार कारोबार में लाभ के अवसर खुलेंगे। आपको एक सावधानी रखनी है, काम लिखित पढ़त में आप और पक्का रखें अपने आप को। यदि साझेदारी में कोई व्यवसाय करते हैं तो साझेदार के साथ अनावश्यक जो है वाद विवाद की स्थिति में ना पैदा होने दें, इससे बचाव करें। इससे आय में नुकसान और मानसिक अशांति हो सकती है। बाकी समय उत्तम है। अब बारी स्टूडेंट्स की, तो विद्यार्थियों के लिए नवंबर का महीना कैसा है मेष राशि के, चलिए जानते हैं। आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव पर एक अशुभ ग्रह और एक शुभ ग्रह का प्रभाव होने से मिश्रित फल मिलेगा आपको। शनि और बृहस्पति दोनों की सप्तम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर रहेगी। इससे आप में तीक्ष्णता आएगी लेकिन आलस्य भी प्रबल होगा। आपको आलस्य को त्यागने की जरूरत है। महीने के पूर्वार्ध में यानी 15 नवंबर तक पंचम भाव के स्वामी सूर्य गोचरवश आपकी कुंडली के सप्तम भाव में स्थित होंगे। इससे आपकी पठन पाठन में रुचि रहेगी, गुरुजनों का अपेक्षित सहयोग प्राप्त होगा और पढ़ाई में मन लगेगा। उत्तरार्ध में सूर्य के राशि परिवर्तन के बाद आपको अपनी पढ़ाई लिखाई को लेकर सतर्क रहने की आवश्यकता है।
16 नवंबर को सूर्य गोचर वश आपके अष्टम भाव में पहुंच जाएंगे। इससे पढ़ाई में अनावश्यक कोई बाधा आ सकती है। लोगों से अपेक्षित सहयोग में कमी होगी और आलस्य रहेगा। पढ़ाई लिखाई से आपका ध्यान भटकेगा और अनावश्यक कार्यों में रुचि होगी। प्रतियोगिता परीक्षा आदि में अपेक्षित परिणाम नहीं मिलने से मन कुछ खिन्न हो सकता है, लेकिन आपको बहुत चिंतित होने की जरूरत नहीं है। यह स्थिति कुछ ही दिनों के लिए है। आपके लिए समय विशेष रूप से सतर्क रहने का है। पढ़ाई में मन लगाएं और गुरुजनों का सम्मान करें। जब मन भटके तो गणेश जी का ध्यान करें, ओम गणपते नमः का जाप करें तो अध्ययन में एकाग्रता बनेगी। तो ये बात हो गई स्टूडेंट्स की। अब बारी फैमिली लाइफ की कि मेष राशि वालों का पारिवारिक जीवन नवंबर के महीने में कैसा रहेगा। तो आपको बता दूं कि सुखद रहने वाला है। किसी पुराने मित्र या कुटुंबजन के साथ मेल मुलाकात हो सकती है। परिवार के साथ आनंददायक समय बीतेगा। बंधु बांधवों का भरपूर सहयोग मिलेगा। माता पिता के आशीर्वाद से कार्य सफल होंगे। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय करने से पहले माता पिता के साथ परामर्श करें तो लाभदायक रहेगा। 2 नवंबर से 21 नवंबर तक बुध सप्तम भाव में होंगे। बुध आपके पराक्रम भाई बहनों के भाव के स्वामी होने के साथ साथ छठे भाव के स्वामी भी हैं। बुध के गोचर के प्रभाव से भाई बहनों के साथ व्यापार में तो लाभ की पूरी संभावना है, लेकिन किसी विषय को लेकर मनमुटाव भी हो सकता है, इसीलिए विशेष सतर्क रहें। अपने स्वभाव में मधुरता लाएं। छोटी मोटी और अनावश्यक बातों को तूल ना दें, बल्कि उन्हें अनदेखा करके संबंधों को मधुर करें। आपको विशेष रूप से 21 नवंबर से सतर्क रहने की जरूरत है। बुध राशि परिवर्तन करके कुंडली के 8वें भाव यानी वृश्चिक राशि में पहुंच जाएंगे। तृतीयेश और षष्ठेश का अष्टम भाव में गोचर भाई बहनों के लिए शुभता वाला नहीं रहता। भाई बहन के साथ कोई समस्या आ सकती है। मामूली बात पर अचानक कोई विवाद खड़ा हो सकता है। आपको जो है इसे टालना होगा। आपको एक योजना बनाकर माता पिता का सहयोग लें और सौहार्द बनाए रखें, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो हमने जाना अभी कि पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। अब बारी है मेष राशि वालों के प्रेम और वैवाहिक जीवन के बारे में चर्चा करने की। नवंबर का महीना कैसा है, तो इस महीने का पूर्वार्ध तो प्रेम संबंधों की दृष्टि से मधुरता वाला रहेगा। जिन जातकों के प्रेम संबंध हैं और विवाह के इच्छुक हैं तो उनके लिए समय उत्तम है। इस दिशा में बात आगे बढ़ सकती है। विवाह आदि की चर्चा हो सकती है। विवाहित लोगों को जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। जीवन साथी के साथ भविष्य की कोई योजना बनेगी, लेकिन महीने का उत्तरार्ध प्रेम और दाम्पत्य जीवन के लिए अपेक्षित सफलता वाला नहीं रहने की आशंका है। 16 नवंबर से सूर्य गोचरवश आपके लग्न से अष्टम भाव यानी वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे होंगे। इससे प्रेम संबंधों में कटुता आ सकती है। कहा सुनी की स्थिति खड़ी हो सकती है। स्वभाव में मधुरता लाएं और संवाद बनाए रखें, नहीं तो दूरियां बढ़ सकती हैं, मतभेद हो सकता है। गोचरवश बुध भी अष्टम भाव में पहुंच जाएंगे। इससे प्रेम जीवन में समस्या तो रहेगी। सूर्य और बुध के साथ साथ अष्टम भाव में होने से आप उत्तेजनावश कुछ गलत फैसले कर सकते हैं, जिसके लिए आपको आगे पछतावा हो सकता है, इसीलिए सतर्क रहें। बुध का अष्टम में सूर्य के साथ होना अक्सर जातकों के लिए संबंध विच्छेद या बोलचाल बंद करने की प्रवृत्ति बढ़ाता है, या फिर वाणी कड़वी हो जाती है। मन को जो है संयम रखें और वाणी को मधुर बनाए रखें, ये नहीं तो प्रेम संबंध में मतभेद पैदा कर सकता है, संबंध टूटने की ओर बढ़ सकता है। पति पत्नी में कुछ अनबन हो सकती है। मामूली बातों पर विवाद, संबंध विच्छेद की स्थिति पैदा हो सकती है। दाम्पत्य जीवन के लिए महीना खासकर इसका पूर्वार्ध चुनौतीपूर्ण रहेगा। मंगल सप्तम भाव में होंगे और नवंबर के पूर्वार्ध में सूर्य भी सप्तम भाव में होंगे, जो जीवन साथी का भाव है। इससे जीवन साथी के स्वभाव में उग्रता देखी जा सकती है। जीवन साथी के साथ अनबन की स्थिति रहेगी। छोटी मोटी बातों को अपने अहम का प्रश्न न बनाएं। 20 नवंबर के बाद ससुराल वालों से मतभेद हो सकता है। बेहतर होगा कि घर की बातों को घर से बाहर न निकलने दें, वरना स्थिति हाथ से निकलने का भी खतरा है। पति पत्नी आपस में प्रेम भाव से समस्याओं का हल निकालें। तो जाना हमने प्रेम और वैवाहिक जीवन के बारे में। अब जानते हैं कि पैसों के मामले में नवंबर का महीना मेष वालों के लिए कैसा है। तो आर्थिक दृष्टि से नवंबर का महीना आपके लिए उतार चढ़ाव से भरा रहने की उम्मीद है। महीने का पूर्वार्ध अपेक्षाकृत अच्छा रहेगा। आय के स्रोत बने रहेंगे। अटका हुआ पैसा परिश्रम करने से मिल सकता है। मित्रों परिचितों के सहयोग से आय के नए अवसर भी बन सकते हैं, पर लेन देन में आपको बहुत सतर्कता रखने की जरूरत होगी। कोई भी लेन देन लिखित पढ़त में और पक्का रखें। महीने का उत्तरार्ध जो है थोड़ा कष्टदायक हो सकता है, कहीं कुछ पैसा फंस सकता है। आर्थिक हानि के योग हैं, इसीलिए सोच समझकर और परिवारजनों के परामर्श से ही लेन देन का व्यवहार करें। यदि आवश्यक ना हो तो कर्ज लेने और देने दोनों से बचें। व्यापारिक निर्णय सोच समझकर करें, हड़बड़ी में कोई फैसला ना करें। अचानक खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है। कुछ अनावश्यक खर्चे सिर पर आ जाने से मन कुछ व्यथित रहेगा। व्यापार कारोबार में वाद विवाद की स्थिति न पैदा होने दें, यह आपके लिए आर्थिक रूप से नुकसानदेह हो सकता है। बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ा सतर्क रहें तो सब अच्छा रहेगा। तो ये हमने जाना आर्थिक जीवन के बारे में। अब जानते हैं कि मेष वालों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा नवंबर में। तो मिश्रित फल देने वाला रहेगा। महीने के पूर्वार्ध में लग्नेश मंगल सप्तम भाव में
सूर्य के साथ होंगे, इससे स्वभाव में कुछ उग्रता आएगी, मन खिन्न रहेगा, अकारण ही मानसिक तनाव हो सकता है, रक्तचाप से जुड़ी समस्या हो सकती है। जिन लोगों को पहले से रक्त विकार या रक्तचाप से जुड़ी समस्या है उन्हें विशेष रूप से सावधान रहने की जरूरत है। महिलाओं को मासिक धर्म से संबंधित परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। तो ये आपके स्वास्थ्य की बात की, बहुत चीज़ें ठीक हैं, कुछ चीज़ें ठीक नहीं हैं। जो चीज़ें ठीक नहीं हैं उनको ठीक करने के लिए और जो चीज़ें ठीक हैं उनको और भी अच्छा बनाने के लिए क्या उपाय करने हैं, जानिए मेष वाले की, मेष वालों का ज्योतिषीय उपाय क्या है जो उन्हें नवंबर के महीने को अच्छा बनाने के लिए करना है। तो पहला उपाय है, प्रतिदिन सूर्यदेव को तांबे के पात्र से अर्घ दें और आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें। दूसरा उपाय है, रविवार के दिन बैल को गुड़ खिलाइए। तीसरा उपाय है, पुखराज रत्न सोने की अंगूठी में तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार के दिन धारण करें, भाग्य मजबूत बनेगा। चौथा उपाय है, बुधवार के दिन गणेश जी को दुर्वांकुर अर्पित करें। और पांचवा उपाय है, मंगलवार की जो है आपको मंगल ग्रह के बीज मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः मंत्र का जाप करें। तो ये उपाय आपके लिए बहुत ही कारगर रहेंगे और इन उपायों से आपकी बहुत सारी समस्याएं जो है वो दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि कैसा बीतेगा नवंबर का महीना आपकी राशि के लिए, हर एंगल से चर्चा की है, हर एक छोटी बड़ी चीज का हमने ध्यान दिया। अगर कुछ छूट गया है तो कमेंट कीजिए, मैं आपको वीडियो के माध्यम से फिर से जानकारी दूंगी। और उम्मीद करती हूँ कि ये 30 दिन आपके जीवन में बहुत अच्छे हों। 11वां महीना है साल 2021 का, तो इसको अच्छे से बिताइए, प्री प्लानिंग कीजिए। हमने आपको जानकारी दे दी है किन मुद्दों पर थोड़ा सतर्क रहना है और कौन सी चीज़ें ठीक है, तो जहाँ सतर्कता बरतनी है उसके लिए प्लानिंग अच्छे से बनाइए, उपाय कीजिए। इन उपायों को करने के बाद अगर कुछ अच्छा होता है लाइफ में तो फीडबैक जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर कोई सुझाव है, सवाल है, तो वो भी अपने कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हर शाम 5 बजे मैं आपके लिए दैनिक राशिफल का वीडियो लेकर आती हूँ, उसमें आपके सवालों को शामिल करके जवाब दे दूंगी मैं आपका। और बाकी अगर कोई आपका जो है निजी जीवन की समस्या का समाधान आपको चाहिए तो उसके लिए आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एस्ट्रोसेज वार्ता का लिंक मिलेगा, वहां क्लिक करके आप हमसे कभी भी किसी भी समय बात कर सकते हैं। और चाहे आप देश के किसी भी कोने से क्यों ना बात करें, देश किसी भी भाषा में क्यों ना बोलने वाले हों, हर भाषा हर पद्धति के जानकार ज्योतिषी आपको हमारे पैनल पर मिल जाएंगे। कभी भी आप कॉल करके उनसे बात कर सकते हैं और लिंक आपको एस्ट्रोसेज वार्ता का मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कोई जेनरिक सवाल है जिससे बहुत सारे लोगों का लाभ हो तो वो लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, मैं आपको दैनिक राशिफल के वीडियो के माध्यम से आपके सवाल का जवाब दे दूंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन प्रेस करना बहुत जरूरी है। जो भी 30 त्यौहार है, ग्रहों का गोचर है, हर चीज की जानकारी आपको हम देंगे वीडियो के माध्यम से। आपको कमेंट करना है, बहुत सारा प्यार आपका मिलता है, तो जो लोग हमारे दर्शक हैं हमें अपना प्यार देते हैं उनके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे। और जो भी 30 त्यौहार है उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं, जिन लोगों का जन्मदिन एनिवर्सरी या कोई खास दिन आता है नवंबर के महीने में उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। जाने से पहले यही कहेंगे कि इस महीने को बहुत ही अच्छा बनाइए अपने लिए और अच्छी अच्छी चीज़ें कीजिए। किसी की मदद कर सकते हैं तो मदद ज़रूर कीजिए, अगर किसी की लाइफ में कोई चेंज क्रिएट कर सकते हैं और अपने आप में भी एक अच्छा बदलाव लेकर आइए। इन्हीं सब बातों के साथ अब आपसे विदा लेने का समय आ गया है। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी अगले वीडियो में आपके लिए बहुत सारी खास बातें लेकर। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी का दिल मत दुखाइए और देखते रहिए एस्ट्रोसेज टीवी। नमस्कार। For regular updates, follow our Instagram page right now.